तूफानों से मत डरो, समंदर अभी बाकी है, कि तूफानों से मत डरो, समंदर अभी बाकी है, खूब मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश स्कोर का पेपर अभी बाकी। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि 15 और 16 मार्च को इंग्लिश स्कोर का बोर्ड एग्जाम देने वाले। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के टॉप ऐसे 30 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये आपके रिवीजन के तौर पर बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको देखना क्या कि दोस्तों कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपको माइंड में आंसर आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 300 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश स्कोर से कराऊंगा। यदि आप 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका इंग्लिश स्कोर में 40 नंबर में 40 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं। दोस्तों इससे आपका क्या होगा कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है। ठीक है, और दोस्तों ये आपके लिए अंतिम समय है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों आप इतने कम समय में क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल होता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाए, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सिल्मा लैगरलॉफ, टू में दिया हुआ जॉन मिल्टन, सॉरी मिस्टर जॉन, थ्री में दिया हुआ मिल्टन, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, सिल्मा लैगरलॉव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हेमेल रूलर एंड क्रैकिनेस। एम हेमेल जो उनके टीचर थे फ्रांस के, वो उनका जो रूलर था उनका क्रैकिनेस नेचर था, वह फ्रांस जो है वह क्या फॉरगेट कर रहा है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है पुलिस पेट्रोलिंग, टू में दिया हुआ स्ट्रेंजर क्वाइटनेस, थ्री में दिया हुआ है बोथ वन एंड टू, फोर में दिया हुआ है द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। एम हेमेल जो है वह कितने साल तक ये इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, मतलब कितने साल से ये एम हेमेल जो है वह स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 20 ईयर्स, टू में दिया हुआ 35 ईयर्स, थ्री में दिया हुआ 40 ईयर्स, फोर में दिया हुआ 30 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब जो है गार्बेज में क्या देखता है, मतलब क्या खोजता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, एग्स, टू में दिया हुआ गोल्ड, थ्री में दिया हुआ कॉइन्स, फोर में दिया हुआ टू आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, गोल्ड। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ई आलम। यहाँ पर पूछा है कि साहेब ई आलम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑनर, टू में दिया हुआ रिच मैन, थ्री में दिया हुआ पुअर मैन, फोर में दिया हुआ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब जो है वह कहाँ पर काम करता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, एट अ सारी शॉप, टू में दिया हुआ एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, थ्री में दिया हुआ एट अ ज्वेलरी शॉप, फोर में दिया हुआ एट अ स्वीट शॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर जो चैप्टर है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में ब्यूटी, टू में दिया हुआ डेप्थ ऑफ सी, थ्री में दिया हुआ डेप्थ ऑफ ओशियन, फोर में दिया हुआ फेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर हो जाएगा, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु थ्रो डगलस इन टू द स्विमिंग पूल। डगलस को जो स्विमिंग पूल में फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, अ यंग बॉय, मदर, इंस्ट्रक्टर, वॉचमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, या यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। इंडिगो प्लांटर के द्वारा कितने परसेंट पे करने का आया था, मतलब कितने परसेंट पे करने के लिए उनको बोला गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ 30%, टू में दिया हुआ 10%, थ्री में दिया हुआ 25%, फोर में दिया हुआ 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वॉज द इंग्लिश मैन इन द स्टोरी पोएट एंड पेनकेक। पोएट एंड पेनकेक ये जो चैप्टर है इसमें जो इंग्लिश मैन है वो कौन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर, टू में दिया हुआ मिस्टर जॉन, थ्री में दिया हुआ मिल्टन, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर, व्हाट सेटिस्फाइड अम्ब्रिस्टो टेस्ट फॉर द नरेशन। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ स्टोरीज, टू में दिया हुआ चिल्ड्रेंस वर्क, थ्री में दिया हुआ इंटरव्यू, फोर में दिया हुआ नॉवेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु आर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फ्रेंड एंड क्लासमेट, टू में दिया हुआ कलीग्स, थ्री में दिया हुआ एक्टर,
फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, फ्रेंड एंड क्लासमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इसमें जो यूज किया गया नरेटिव स्टाइल ऑफ पोएम, इस ये जो इसमें जो है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया है डिफरिंग थॉट, टू में दिया है मैनी थॉट, थ्री में दिया है कॉन्स्ट्रैक्टिंग थॉट, फोर में दिया है अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विथ हर्स रियलाइज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर हो जाएगा, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विथ हर्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो एक पोएम है उसका मेन आइडिया क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पेनफुल ओल्ड एज, टू में दिया हुआ है डिसकोलरेशन ऑफ अ स्किन, थ्री में दिया हुआ है केयरलेसनेस ऑफ अ डॉटर, फोर में दिया हुआ है लैक ऑफ अ स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु लिव्ड एट कोचिन, कोचिन में कौन लोग रहते थे, कौन रहता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पोएट, टू में दिया हुआ है हर पेरेंट्स, थ्री में दिया हुआ है वन एंड टू बोथ, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज पेपर सीमिंग बॉय मींस, पेपर सीमिंग बॉय मींस का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में हैड अ पेपर इन हिज हैंड, टू में दिया हुआ है वाज अ थिन एज अ सीट ऑफ पेपर, थ्री में दिया हुआ है वाज वाइट इन कलर लाइक अ सीट ऑफ पेपर, फोर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, वाज अ थिन एज अ सीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर, व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम या स्लम एरिया, इसमें किस चीज़ का डिस्क्राइब किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, टू में दिया हुआ है सोशल सेटअप ऑफ इंडिया, थ्री में दिया हुआ डिफरेंट माइंड सेट, फोर में दिया हुआ ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट हो जाएगा, अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस। पोएट जो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि अगर शांत होकर अगर कुछ सुना जाए या फिर महसूस किया जाए तो वह किस चीज़ को सर्च कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों, मीटिंग विद पीपल, टू में दिया हुआ है सोल सर्चिंग, थ्री में दिया हुआ है इंटरेक्शन विद द पीपल, फोर में दिया हुआ है ट्रेकिंग विद पीपल, टॉकिंग विद पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, सोल विद सोल सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट बैरियर्स। पोएट के हिसाब से बैरियर जो है वह किस चीज़ का क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इंटरेक्शन, टू में दिया हुआ रिएक्शन, थ्री में दिया हुआ फाइटिंग, फोर में दिया हुआ लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, लैंग्वेज। 20 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक पोएम दे दिया गया है और इसी से आपको क्वेश्चन करना है। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आपको नेम द पोएम यानी कि पोएम का नाम बताना है, ये पोएम कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, टू में दिया हुआ माई मदर एट 66, थ्री में दिया हुआ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, फोर में दिया हुआ कीपिंग क्वाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हु हैज कम्पोज द गिवन पोएम यानी कि ये जो पोएम है वह किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में जॉन किट्स, टू में दिया हुआ है रॉबर्ट फोर्ड, थ्री में दिया हुआ है कमला दास, फोर में दिया हुआ है पब्लो नरोदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट रिमूव वेल फ्रॉम आवर लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट रिमूव्स द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। हमारे अंधेरे आत्मा से पेल को क्या निकालेगा, पेल क्या निकलेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द सिटी पीपल। कैश फ्लो सिटी पीपल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में दे लव्ड इट, दे अर्न इट विद देयर हार्ड वर्क, थ्री में दिया हुआ दे अर्न बाय बी फूलिंग अदर, फोर में दिया हुआ इट रन देयर लाइफ सो इट इज देयर लाइफ लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, इट रन देयर लाइफ सो इट इज देयर लाइफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज हू डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नरेटर जो है यानी कि राइटर अनयूजुअल थिंग क्या देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ट्रीज, टू में दिया हुआ मोटर कार, थ्री में दिया हुआ थर्ड लेवल, फोर में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, थर्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एट व्हाट एज द बॉय क्रोन्ड एज अ किंग। जो बॉय था वह कितने साल में राजा बना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया दोस्तों, 30 ईयर, 15 ईयर, थ्री में दिया हुआ 22 ईयर, फोर में दिया हुआ 20 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी। प्रिंस जो है वह कब शादी किए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में एट द एज ऑफ 20, टू में दिया हुआ व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, थ्री में दिया हुआ आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वंडर्स तिसानी जोशी जो थे वह क्यों आश्चर्य थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ह्यूमन काइंड। ह्यूमन जो लोग हैं, ह्यूमन के लिए फ्यूचर में इंडिकेशन क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में मेल्टिंग ग्लेशियर, टू में दिया हुआ डिप्लीटिंग जोन लेयर, थ्री में दिया हुआ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, फोर में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अ जनरल वाज। जनरल जो था वह किस तरह का पर्सन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ किंग काइंड हार्टेड, टू में दिया हुआ अ विश मैन, थ्री में दिया हुआ अ सेल्फिश मैन, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अ सेल्फिश मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जीत क्लासा सिंबलाइज इन दिस लेसन। जीत क्लासा का जो बाल काटा गया तो इसमें इस चैप्टर में किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सब्जेक्शन टू द रूलर रूल्स, टू में दिया हुआ हर विश टू डोमिनेट, थ्री में दिया हुआ हर विश टू गेट जस्टिस, फोर में दिया हुआ हर विश टू टूक मॉडर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, सब्जेक्शन टू द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट यूनिट्स मिस्टर लैब एंड डेयरी। मिस्टर लैब एंड डेयरी का क्या यूनिट था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, देयर एज, देयर फिजिकल इंपेयरमेंट, थ्री में दिया हुआ देयर वर्ड्स, फोर में दिया हुआ देयर लाइफ स्टोरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, देयर फिजिकल इंपेयरमेंट। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।